अस्सलाम वालेकुम, arazi.com की तरफ से मैं हूँ मायदा और हमारे साथ हैं अनवारुल मुश्तबा जी। जी तो आज हम अपने कुछ बेसिक क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि हमारे मोस्टली क्लाइंट्स के क्वेश्चन होते हैं कि इस्लामाबाद में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किन सोसाइटीज़ में किया जाए जहाँ से हम अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो अनवारुल मुश्तबा हमें इसकी कुछ आंसर्स देंगे, चले हम सुनते हैं। जी मायदा, काफ़ी लोग मुझसे भी क्वेश्चंस करते हैं कि आप हमें बताएं कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में हम किन किन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें तो हम एक सिक्योर और अच्छा फ्यूचर हम बना सकते हैं। तो मायदा, एक जनरल थ्योरी ये है कि कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले दो से तीन चीज़ें जो हैं वो मेन चेक करते हैं। ये ओवरसीज क्लाइंट के लिए भी हैं और जो यहाँ के रेजिडेंट हैं उनके लिए भी हैं। सबसे पहले तो ये है कि जिस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट NOC अप्रूव्ड होना चाहिए, ठीक है। उसके जितने भी लीगल डॉक्यूमेंटेशन है वो क्लियर होने चाहिए, ठीक है। और वो कैसे पता चलता है? वो पता चलता है उनके जो कंसल्टेंसी लोग देते हैं, उनके जो कंसल्टेंट होते हैं, उनके साथ जो पार्टनर्स होते हैं उनके पास जाके आप उनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। सेकेंडली ये कि आप जैसे कि एक CDA है, कैपिटल डिवेलपमेंट अथॉरिटी, कुछ प्रोजेक्ट्स इससे अप्रूव्ड हैं, कुछ हैं रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी RDA से हैं, आप इनकी वेबसाइट्स पे जाके भी चेक कर सकते हैं कि किन किन प्रोजेक्ट्स को NOC दिया हुआ है उन्होंने, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये हम भी हर बंदे को कहते हैं कि भाई बिफोर इन्वेस्टमेंट या बिफोर योर जो है आपकी जो प्लान कर रहे हैं उस पेमेंट करवाने से पहले या अपना एक स्टेप लेने से पहले ये होमवर्क जो है ये ज़रूर करें। इसमें NOC वाला पहला आ गया और सेकेंड आ गया कि इसके डिवेलपर्स कौन है, ठीक है। ये भी तब पता चलता है जब बंदा, कुछ लोग तो इन्वेस्ट करके कहते हैं यार हमें तो मतलब पता नहीं था कि ये किन का प्रोजेक्ट है, ऐसे ही है। तो जिनके डेवलपर्स स्ट्रांग हो, उनकी अच्छी हिस्ट्री हो, उन्होंने प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हुए हों। थर्ड ये है कि उसकी लोकेशन के, जैसे आपको पता है कि बिजनेस टाइकून जो हैं मलिक रियाज साहब, उनका एक कॉल है कि प्रोजेक्ट की जो है सक्सेसफुल होने का राज क्या है। वो कहते हैं जी लोकेशन लोकेशन लोकेशन, और थर्ड चीज़ जो लोकेशन है ये बड़ी मीनिंगफुल चीज़ होती है किसी प्रोजेक्ट को भी उठाने के अंदर या किसी प्रोजेक्ट को भी सक्सेसफुल बनाने के अंदर लोकेशन का बड़ा हाथ होता है। तो लोकेशन वो चूज़ करें जहाँ पे इन फ्यूचर आप सिक्योर हों, आप स्टक ना हो, आपकी जो मूवमेंट है उसमें कोई रेजिस्टेंस ना आए। तो ये तीन मेन चीज़ें होती हैं जो भी बंदा इन्वेस्ट करता है उसके लिए, ये तीन मेन चीज़ें होती हैं। ये देखें, इसके ऊपर होमवर्क करें, फिर किसी अच्छे कंसल्टेंट के पास जाएं और ग्रोइंग प्रोजेक्ट्स जो हैं उनके अंदर आप इन्वेस्ट करें। तो ये एक रावलपिंडी इस्लामाबाद में हमारे पास जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें जो ग्रोइंग प्रोजेक्ट है लोकेशन वाइज भी अच्छे हैं, डेवलपर्स भी अच्छे हैं, उनमें नंबर वन आता है जी कैपिटल स्मार्ट सिटी, ठीक है। कैपिटल स्मार्ट सिटी के बाद आता है जी हमारे पास पार्क व्यू सिटी, ठीक है। और हमारे पास नोवा सिटी भी है। देखें, हर कैटेगरी के, हर रेंज के, हर बजट के ऊपर हमारे पास NOC वाले प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो जो भी हम प्रोजेक्ट करेंगे वो NOC वाला होगा, डेवलपर्स अच्छे होंगे और बाकी चीज़ें भी उसकी बड़ी क्लियर होंगी। जी मायदा, और कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो इसी के अबाउट हम, जैसे आपने डेवलपर्स की बात की है तो हम इसके अबाउट एक क्वेश्चन माइंड में आया है कि डेवलपर्स का अच्छा होने से क्या असर होता है सोसाइटी के अबाउट। देखें, कुछ लोग विजनरी लोग होते हैं, डेवलपर्स, हर डेवलपर जो है वो मकान तो बना देता है आपको या गलियां तो बना देता है, लेकिन उसके पीछे एक विजन होना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, हर जगह पे हबीब रफीक एक ग्रुप डेवलपर्स हैं जिन्होंने बहरिया टाउन, DHA और बाकी भी प्रोजेक्ट किए हैं जो अपने स्मार्ट सिटीज लेके आए हैं। इनका एक विजन है कि हमारे सिटी चौक ना हो, हमारी जो लोकेशन हो वो ऐसी हो जिसपे लोगों की मूवमेंट आसानी से हो जाए, उसमें हर क्लास का बंदा आ सके, मोटरसाइकिल से लेके बड़ी गाड़ी तक, मतलब इजी उसमें वो हो जाए। और डेवलपर्स की हिस्ट्री जो होती है वो बड़ी मीनिंगफुल होती है क्योंकि उनके ऊपर ट्रस्ट लोगों का होता है कि ये लोग डिलीवर कर रहे हैं ही करेंगे, मतलब ये लोग भागने वाले नहीं है या पैसा खाने वाले नहीं है। तो इसलिए डेवलपर्स का अच्छा होना बहुत जरूरी है। अच्छा, यानी आपका कहने का मतलब ये है कि सारा इन्हिसार जो सोसाइटी का होता है वो डेवलपर्स पर exactly होता है। सही होता है, तो लोग उसी की बिना पे इन्वेस्ट करते बिल्कुल हैं। ट्रस्ट लेवल, ठीक है नाजरीन। तो जैसे हमारा अब ये क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया है और आप लोगों को पता भी चल गया कि आपको कौन से फेमस प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ से आप अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम ये पूछना चाहेंगे अनवार से कि हमें अभी ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि रियल एस्टेट का जो बिजनेस है इसकी तरफ ज्यादातर लोग जो है वो अट्रैक्ट क्यों होते हैं जी, और इसमें क्या प्रॉफिट है, अगर कोई इसका बिजनेस करता भी है तो वो कैसे गेन करता है, और ये सब कुछ इसके अबाउट हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं,
तो इसका भी हम अनवारुल मुश्तबा से आंसर सुनते हैं। जी मायदा, ऐसे ही है, कुछ लोग कहते हैं जी रियल स्टेट में बड़ा पैसा है, तो हम भी रियल स्टेट का बिजनेस करते हैं, प्रॉपर्टी में बड़ा पैसा है। देखिए मायदा, बिजनेस वो होता है जिसके अंदर इंसान की इनर सेटिस्फेक्शन हो, जिसके लिए बंदा रात दिन मेहनत करे और बंदे को फील ना हो कि मैं कुछ ऐसा काम कर रहा हूँ जो मेरे पर बर्डन ना हो। हाँ, वो रियल स्टेट है, हाँ वो कोई भी एक पैशन है, ठीक है। तो रियल स्टेट भी ऐसा ही एक बिजनेस है, ये नहीं है कि इसमें हर बंदा सक्सेसफुल है। कुछ लोग शॉर्टकट्स के लिए आते हैं और डूब के चले जाते हैं, अपनी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है वो भी डुबा के लोग चले जाते हैं, लोगों को भी साथ में कुएं में धकेल देते हैं और खुद भी। तो मेरा ख्याल से जो बिजनेस होता है वो वही होता है जिसमें बंदे के अंदर से एक जज्बा पैदा हो कि मैंने ये काम करना है और इसमें मेरी जो है ना वो स्ट्रगल, मैं समझता हूँ कि इसमें मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाऊँगा। तो इसी लिहाज से रियल स्टेट में भी ऐसी ही चीज़ें हैं, जो रियल स्टेट के अंदर काम कर रहे हैं, जो अपने रात दिन मेहनत करते हैं और एक अच्छे पैशन से, एक अच्छे पेशन से वो आते हैं, उनके लिए ये फील्ड बहुत ज़बरदस्त है। और कुछ लोग कहते हैं जी वो मार्केट डाउन है, जी वो ये है, वो हम तो कैसे करें, ओवरऑल मार्केट डाउन है, हमारा तो क्या मतलब, एक अपने उस अंदर से ना वो सेटिस्फाई नहीं होते, कंफ्यूज होते हैं। तो बिजनेस वही अच्छा होता है, पैसे वाला भी वही होता है जिसको बंदा करे और बंदा थकान फील ना करे, उसके अंदर एनर्जेटिक हो, बंदा जो है उसके अंदर एक स्ट्रगल करे और बंदे को यही फील हो कि मैं अपना काम कर रहा हूँ और सेटिस्फेक्शन उसमें अल्लाह पाक उसको जितनी मेहनत करता है अल्लाह पाक उसमें उसको इतनी बरकत दे देता है। तो नो डाउट रियल एस्टेट बिजनेस एक अच्छा बिजनेस है, लोग काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं और लोगों ने अच्छा कमाया भी है, लेकिन ये है कि इसमें बंदे कुछ शॉर्टकट्स लेते हैं, कुछ ऐसा काम कर लेते हैं जो फिर उनको कोई और रास्ता नहीं मिलता सवाए वो आउट ऑफ कंट्री भाग जाते हैं। तो हमेशा ऐसे लोगों को ऐसे बिजनेस में जाना चाहिए जो उसके अंदर से उसको आवाज़ है कि भाई मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं यही करूँगा और दिन रात मैं मेहनत करूँगा और मुझे इंशाल्लाह इसी में पैसा अल्लाह पाक जो भी स्ट्रगल है, जो भी अचीवमेंट टारगेट्स हैं वो उसी में दे देगा। तो कोई बिजनेस भी हो अल्हम्दुलिल्लाह सब बिजनेस अच्छे हैं, और रियल एस्टेट भी एक अच्छा बिजनेस है अगर आप अच्छे तरीके से, ऐसे तरीके से अपनी सर्विसेज देते हैं, अच्छे प्रोजेक्ट्स करते हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको रंग लगाएगा। यानी इन शॉर्ट आपका कहने का मतलब ये है कि हम जिस काम में भी मेहनत करते हैं तो उसी काम से हम गेन कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है नाज़रीन। तो जैसे कि आज के हमारे क्वेश्चंस थे और अनवारुल मुश्तबा ने उसके काफ़ी अच्छे से आंसर्स भी हमें क्लियर कर दिए हैं, तो मज़ीद अगर हमारे किसी भी क्लाइंट की या किसी की भी कोई क्यूरीज होती हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर से रब्ता करें। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए जी, araazi.com को फॉलो करते रहें जी, araazi.com की जितनी भी वीडियोज़ हैं उनको शेयर भी करें जी। अल्लाह हाफिज़।